दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप बड़े ही आसानी से अपने शादी कार्ड का एक लिफाफ डिजाइन कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हो तो बड़े ही आसानी से कुछ इस टाइप का शादी कार्ड बना सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने फोटोशॉप में, और यहाँ पर अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, साइज लेना है। साइज लेने के लिए सिंपली आपको फाइल में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद जहाँ पे प्रीसेट साइज आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा साइज आपको देखने को मिलेगा। जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कस्टम का एक साइज मिलेगा, कस्टम पे आपको क्लिक करना है। अब कस्टम में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने अनुसार साइज लेना पड़ेगा। तो मेरा जो कार्ड का लिफाफ का जो साइज है वो साइज हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, विडिट में हमको 6.6 डाल देना है, यानी कि 6.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने 6.6 लिख दिया, जिससे कि हमारा 6.5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब हाइट में मुझे यहाँ पे 3 इंच लिखना है। हाइट हमारा जो लिफाफ का कार्ड का साइज जो है वो 3 इंच का है, ठीक है। और रेजुलेशन आपको यहाँ पे 300 कर देना है। यहाँ पे आपको मोड में RGB सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके करना है। अब यहाँ पे आपका कार्ड का साइज आ चुका है। अब इसी के अंदर मुझे अपना कार्ड को डिजाइन करना है। दोस्तों कार्ड डिजाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये साइड में लेयर पैनल दिखाई दे रहा होगा, ये लेयर पैनल आप ओपन करके रखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम बड़े ही आसानी से इस कार्ड के लिफाफ को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए अगर आप नहीं जानते तो सिंपली विंडो में जाएंगे और यहाँ पर आपको लेयर ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ये लेयर ओपन हो जाएगा। अब कार्ड डिजाइन करने से पहले सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मुझे इसके ऊपर एक बैकग्राउंड देने की। अब बैकग्राउंड देने के लिए मैं गूगल क्रोम में जाऊंगा। यहाँ पर आप बैकग्राउंड जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए अभी इस येल्लो कलर का जो बैकग्राउंड है इसे सेलेक्ट किया है। अब इसको कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे और फोटोशॉप में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली कंट्रोल भी प्रेस करना है, यहाँ पर आपका जो है कि बैकग्राउंड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको यहाँ से इस प्रकार से आपको छोटा कर देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर सेंटर में मुझे कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि सेंटर में एक गाइडलाइन देना होगा। तो गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर ये जो रूलर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो इंच स्केल दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे परसेंट पे सबसे पहले क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं जानते हैं कि अगर रूलर नहीं आ रहा है तो कीबोर्ड में आप कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पे रूलर हट जाता है, और कंट्रोल आर फिर से करेंगे तो रूलर यहाँ पे आ जाएगा। अब राइट क्लिक करके यहाँ पे परसेंट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद व्यू में जाएंगे और यहाँ पे न्यू गाइड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन में क्लिक कराने देना है, और पोजिशन में आपको 50% कर देना है। 50 लिख के यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे गाइड आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हम श्री गणेशाय नमः का जो लोगो है वो यहाँ पर हम लाएंगे। तो यहाँ पे गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे श्री गणेशाय नमः इन हिंदी, तो लोगो यहाँ पे बहुत सारा आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी श्री गणेशाय नमः का लोगो पसंद आए वो आप लगा सकते हो। अभी हम फिलहाल इस लोगो को लगाने वाले हैं। इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे, कंट्रोल बी, यहाँ पर आपका ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे मैजिक वन टूल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे टॉलरेंस आपको 20% ले लेना है, या यहाँ पे आप 35% ले लेना है, और उसके बाद इस पर बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट बटन प्रेस करना है, उसको इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल टी दबाएंगे अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पर देख सकते हो ये सेलेक्ट हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस गाइडलाइन के सेंटर में कुछ इस प्रकार से आपको रख देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम सेंटर में रख देंगे, एंटर दबाएंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। और इसके अंदर अगर आपको शैडो देना है तो शैडो देने के लिए लेयर में जाएंगे और यहाँ पे लेयर स्टाइल, और यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो शेडो तो लग चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर आप व्हाइट कलर का शेडो देना चाहते हो तो ये व्हाइट कलर दे दिया हमने। यहाँ पे पहले ओके किया, मल्टीप्लाई को ब्लेंड मोड से चेंज करके नॉर्मल मोड में करना है, ओपेसिटी यहाँ पे 100 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से शेडो लग चुका है। फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से अभी ओके कर देंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ पे हमने शेडो भी लगा दिया हूँ। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सुविवाह का लोगो देंगे। तो लोगो देने के लिए सिंपल आपको चले जाना है फिर से गूगल क्रोम में, और यहाँ पर आप सुविवाह लोगो टाइप करेंगे तो बहुत सारा इस प्रकार से आपको सुविवाह का लोगो डिजाइन देखने को मिलेगा। तो अभी हम जो सिलेक्ट किए हैं ये कुछ इस टाइप का सुविवाह का लोगो हमने सेलेक्ट किया है। इस पर इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और फोटोशॉप में जाएंगे, कंट्रोल बी दबाएंगे अपने कीबोर्ड में, यहाँ पर ये आ जाएगा।
और इसको यहाँ से हम जूम करते हैं और यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको हम सिलेक्शन टूल की मदद से इस प्रकार से सबसे पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करके और डिलीट बटन दबाएंगे, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और अब बारी आता है कि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसे डिलीट करने की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इरेजर टूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टूल्स बार में, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और टॉलरेंस यहाँ पे देख सकते हो 5 है, इसमें आपको 35% कर देना है और अब यहाँ पर आपको डिलीट करना है। देख सकते हो एकदम क्लीन हो गया चकाचक। अपने टूल्स बार में यहाँ पे आपको मूव टूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस प्रकार से इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और इसको यहाँ पे साइड में इसे लगा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में भी शेडो लगाने की जरूरत है मुझे, तो शेडो लगाने के लिए सिंपल वही तरीका, आपको जाना है लेयर में, लेयर स्टाइल, ड्रॉप शेडो, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर को ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे यहाँ पे मुझे डेट लिखना है, तो अभी हम इसमें डेट लिखते हैं। तो दोस्तों डेट लिखने से पहले यहाँ पर एक लाइन देना है, ठीक है। तो इसमें लाइन देने के लिए यहाँ पे आप चले जाएंगे अपने गूगल क्रोम में और यहाँ पर आपको टाइप करना है वेडिंग लाइन डिवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपके पास लाइन डिवाइडर आ जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत वगैरह लाइन आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसी टाइप की लाइन को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पे फोटोशॉप में जाके कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पर ये लाइन आपके पास पेस्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक सिंपल लाइन आपको यहाँ पे लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बीच वाला लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से बीच में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल बी करेंगे और उसके बाद यहाँ से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसे साइड में लेके आ जाएंगे और यहाँ पर आपको साइड में लगा देना है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसे रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट में कलर रेंज और यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपका ये यहाँ पे डिलीट हो गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इसका कलर चेंज करने के लिए सिंपली आप लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कलर इसका चेंज हो गया है, तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, इसको हम साइड करते हैं और यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद आए वो कलर आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसी कलर को सेलेक्ट करता हूँ, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, ओके करता हूँ, यहाँ से भी ओके। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे शेडो देना है, ठीक है। अब शेडो देने के लिए क्या करेंगे, फिर से लेयर, लेयर स्टाइल और यहाँ से ड्रॉप शेडो और यहाँ पर हम व्हाइट कलर का शेडो दे देता हूँ। तो व्हाइट कलर सेलेक्ट किया, आगे बढ़ाया, मल्टीप्लाई से चेंज करके नॉर्मल में कर देंगे और यहाँ से ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, कंट्रोल टी, कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे एंटर दबा देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये लाइन भी लग चुका है। अभी हम इसको रखते हैं, ठीक है, बाद में अगर अभी हमको काम आएगा तो इसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर हम अपना जो है कि डेट लिखना शुरू करते हैं। अब डेट लिखने के लिए आपको टूल्स बार में यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट लिखना स्टार्ट करना है। इससे पहले इसका साइज को छोटा करने के लिए यहाँ से साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हमने साइज छोटा कर दिया और अभी हम यहाँ पर अपना डेट लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने टेक्स्ट लिख दिया है और इस टेक्स्ट का फॉन्ट हमने कुछ इस टाइप से सेलेक्ट किया है, इसको यहाँ पे साइड में कर देंगे, इसको इस प्रकार से उठा करके, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने। और इसका कलर अभी हम चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, इसके नीचे कर देंगे। तो इसका नीचे करने के लिए इस लाइन को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हमने और कंट्रोल जे करेंगे और इस मूव टूल्स की मदद से टूल बार में मूव टूल सेलेक्ट करना है और इस प्रकार से शिफ्ट को प्रेस करके नीचे कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि इसका एक कॉपी बन गया है। तो यहाँ पर हमने डेट भी लिख दिया और अभी हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे इसका जो है कलर यहाँ पे चेंज करेंगे, इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे लेयर में और यहाँ पे लेयर स्टाइल और ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसको साइड में लेके चले जाएंगे और ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे, अब इसको भी साइड भी कर देंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको यहाँ पे फिट हो वो यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे कुछ रेड कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और उसके बाद यहाँ से मैं ओके करूँगा, अब यहाँ से भी मैं ओके कर दूंगा। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक लगा देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक में क्लिक करना है और यहाँ पे कलर में क्लिक करेंगे व्हाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रोक लग चुका है, इसको ओके करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक हम 2% देके यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे शुभ विवाह का डेट भी लिख चुका हूँ मैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले जो यहाँ पे जो लाइन वाला जो बॉर्डर है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड में अल्ट को दबा के रखिए और एल को प्रेस करते जाइए, यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे नेम लिखने के लिए, जैसे कि पूजा संग अमित होता है उस टाइप का कुछ नाम वगैरह देने के लिए यहाँ पर हम एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखने के लिए उसके लिए आपको एक शेप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा हार्ट शेप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने गूगल में हार्ट शेप लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा इस टाइप से आपको शेप देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम इस शेप को यहाँ से कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी, और अपने फोटोशॉप में जाके हम यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे बैकग्राउंड को डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से हम इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे, मैजिक इरेजर टूल, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मूव टूल में सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसका क्या करेंगे, इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो या ग्रेडियंट कलर देना चाहते हो तो लेयर में जाके आप लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रेडियंट्स ओवरले, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको कलर देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी कलर पसंद आए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस कलर को सिलेक्ट कर लिया हूँ, और उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें ड्रॉप शेडो लगाते हैं। ड्रॉप शेडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप शेडो लग जाएगा। उसके बाद ओपेसिटी को इस प्रकार से बढ़ा देना है, थोड़ा सा डिस्टेंस को इस प्रकार से बढ़ाना है, और स्प्रेड को बढ़ा के और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और साइज को हल्का सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हल्का सा वाइब्रेंट हो जाएगा। कलर इसका चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले नॉर्मल में क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगे व्हाइट वगैरह वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी हम व्हाइट कलर को ही सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और फिर से यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे ये आपका शेप तैयार है, और अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल टी करेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे रख दिया इस साइड में, और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन हट जाएगा। और अभी इसके अंदर हम अपना नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पे टूल्स बार में टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना हम नाम लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख चुके हैं, इसको क्या करेंगे इस प्रकार से उठा करके इसके बीच में ले आएंगे कंट्रोल टी की मदद से, इसके शेप के अंदर ही अपने अनुसार यहाँ पे साइज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसमें आपको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये नाम लिखा चुका है। इसका एक कॉपी बनाने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इस प्रकार से इसे इन साइड में कर लेंगे। अब यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं चंदन, ठीक है, यहाँ पे चंदन लिख दिया हमने, तो इसमें हम चंदन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, आपको इसके सेंटर में इसको रख लेना है। अब इसका कलर यहाँ पे चेंज करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे लेयर, और यहाँ पे लेयर स्टाइल, और यहाँ पे ग्रेडियंट्स ओवरले। अब यहाँ पे जो भी कलर हमें पसंद आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे कलर को इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा कलर आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी सेट हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ओके करता हूँ, और इसको भी यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब बारी आते हैं इस चंदन में, तो इसमें भी हम कोई भी एक ग्रेडियंट्स लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे इस कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से ओके करता हूँ। इसके अंदर चाहे तो आप स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं, स्ट्रोक में जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे कलर चेंज करके देखता हूँ व्हाइट कलर, तो कुछ इस टाइप का अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं फिलहाल दे देता हूँ अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सा उभरा हुआ टेक्स्ट देखने को मिलेगा, इसमें भी मैं लगा देता हूँ स्ट्रोक। तो यहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे स्ट्रोक भी लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मैं हम प्रेसक लिखने वाला हूँ, उसके लिए मुझे क्या करेगा, यहाँ पे शेप टूल में क्लिक करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पाथ, इस पाथ में सेलेक्ट कर लेना है, और इतना सा यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करना है, और ओके करना है, और आपको कंट्रोल को प्रेस करके एंटर दबाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इस टाइप से सिलेक्शन बन जाएगा, और यहाँ पे आपको एडिट में जाना है, और स्ट्रोक में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको कलर को यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करना है, और यहाँ पे पिक्सल आपको यहाँ पे 3 या 5 में दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो एक बॉक्स बन चुका है हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पे एक प्रेसर लिख लेता हूँ। टेक्स्ट टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको छोटा कर देंगे, और यहाँ पर हम प्रेसक लिख लेता हूँ, प्रेसक लिख दिया हूँ। इसको यहाँ पे सेंटर में कर देंगे कंट्रोल टी करके, इस बॉक्स के अनुसार इसको हम यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंटर दबाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रेसक लिख दिया, और यहाँ पे साइड में 2 छोटा छोटा एक लाइन देना है। लाइन देने के लिए यहाँ पे शेप टूल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको शेप पे सिलेक्ट करना है, पाथ नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है, और इस शेप टूल में क्लिक करके अल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे हमने प्रेसक का यहाँ पे एक शेप तैयार कर लिया हूँ। इसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करना है, और यहाँ पे शुरू वाला शेप पे पहले सेलेक्ट करना है, शिफ्ट को प्रेस करके इस पर क्लिक करना है, और
इस पर क्लिक करना है, सब में यहाँ पे क्लिक कर देना है ताकि यहाँ पे आपका एक लिंक बन जाए। और उसके बाद आप इसको जहाँ भी लेके जाएंगे एक साथ ये आपके जहाँ भी लेके जाएंगे इसको एक साथ चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नाम वगैरह मैं लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख चुका हूँ और इस शेप को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट में स्ट्रोक देने वाला हूँ। ठीक है, और इसका कलर चेंज करने वाला हूँ। इसको सेलेक्ट करना है और कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से व्हाइट कलर या जो भी कलर आप देना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हो। अभी हम यहाँ पे रेड कलर देता हूँ। ठीक है, और ये रेड हो गया। और इसके बाहर की ओर हम यहाँ पे स्ट्रोक देता हूँ। लेयर में जाएंगे और यहाँ पे लेयर स्टाइल और स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर को यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट करना है, ओके करना है, यहाँ से भी ओके करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे प्रेसर करने के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे नाम जो देता है जिसे जिसको हम भेजना चाहते हैं कार्ड उसके नाम का यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको शेप टूल में क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेना है और यहाँ पर आपको शेप में क्लिक करना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद इसका एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे, यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगा। इसका कलर यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे इस थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये देख सकते हैं एक बॉक्स बन चुका है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्लिक कर रख देना है। ठीक है, और नीचे वाला जो कलर है ये ब्लैक, इसको यहाँ से मैं डबल क्लिक करके यहाँ से कोई दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी कलर समझ में आए वो आप ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को लिंक कर देना है, व्हाइट और यहाँ पे ये जो पिंक कलर है इसको सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से। और ये जो शेप है इसके चारों साइड यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रोक देना है। लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और यहाँ पे स्ट्रोक में क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, ओके करना है 2%, फिर यहाँ से ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया हूँ। पहले यहाँ पे मैं श्रीमान श्रीमती वगैरह में यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम सेवा में श्रीमान श्रीमती लिख दिया हूँ। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट यहाँ पे जो भी सही लगेगा उस फॉन्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। और अभी आपको क्या करना है, इस पर यहाँ पे मुझे लाइन देना है। लाइन देने के लिए यहाँ पे शेप टूल में क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइन टूल आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे विडिट में यहाँ पे आपको 5 पिक्सल का यहाँ पे कलर देना है और यहाँ पे इसका जो ब्लैक कलर है यहाँ पे ब्लैक कलर को ही रखना है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे रेड कलर भी ले सकते हैं, फिलहाल अभी मैं ब्लैक कलर लेता हूँ। और शिफ्ट को प्रेस करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे ये ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने लाइन लगा दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना बॉक्स को बना दिया हूँ मैं और यहाँ पे ये सभी काम हो चुका है। अब बीच में मुझे क्या करना है, दूल्हा दुल्हन का यहाँ पे फोटो मैं लगा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं दूल्हा दुल्हन का कोई भी फोटो ले लेता हूँ। आपके पास जो ओरिजिनल फोटो उसे लेके यहाँ पे आपको कंट्रोल भी करना है, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैं ब्लेंड कर देता हूँ। आप ब्लेंड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है, अपने टूल्स बॉक्स में राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इरेजर टूल में सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको मोड में आपको ब्रश सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना 100 नंबर का एक ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, डायमीटर थोड़ा बड़ा कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ओपेसिटी यहाँ से 100, फ्लो भी 100। और अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से चलाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये बैकग्राउंड इसमें अब ब्लेंड होके इरेज हो रहा है। तो इसको फटाफट से मैं ब्लेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही आसानी से हमने यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फोटो भी लगा दिया है और यहाँ पे हमारा कार्ड बिल्कुल ही तैयार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश किया कि आप किस प्रकार से किसी भी कार्ड का लिफाफ को डिजाइन कर सकते हो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पूरी शादी कार्ड को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।